पंजाब में कांग्रेस की सियासी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को तहस नहस कर दिया है। सिद्धू अभी तक पंजाब में कई नेताओं को निपटा चुके हैं। अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटवाया, सुनील जाखड़ की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई और अब एक बार फिर पार्टी और मुख्यमंत्री चन्नी को सिद्धू की जिद के आगे झुकना पड़ा है। सिद्धू ने साफ कर दिया था, जब तक एजी एपीएस तेउल का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा वो कांग्रेस भवन नहीं जाएंगे। इसके बाद सिद्धू के आगे मुख्यमंत्री चन्नी को झुकना पड़ा और एजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन सिद्धू के इस रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी क्यों बार बार सिद्धू के आगे घुटने टेक रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री चन्नी पर हमला किया है और उनको रबर स्टैम्प सीएम करार दिया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने इस मामले पर एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। उन्होंने पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा इस तरह दबाव में आकर एजी को हटाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले दिनों एजी पंचिंग बैग बन गए। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इस मामले में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला किया और पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक काबिल एजी हटाकर सामने आ गया कि चन्नी कितने कंप्रोमाइज सीएम हैं। तिवारी ने कहा कि जो लोग एडवोकेट जनरल का विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वकील किसी क्लाइंट से बधा नहीं होता। अब इस मामले पर भी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होना है और कांग्रेस के नेता ऐसे ही लड़ते रहे तो पार्टी की लुटिया डूबनी तय है। वही कांग्रेस का एक बार फिर सिद्धू के आगे झुकने के पीछे अपनी सियासी मजबूरी है। पंजाब में कांग्रेस पहले ही अपने दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह को खो चुकी है, जिसकी वजह से हिंदू वोटर्स कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और अब अगर सिद्धू भी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो सिख वोटर्स भी कांग्रेस से दूर जा सकते हैं, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। लिहाजा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सिद्धू की जिद को बार बार मानने के लिए मजबूर हो रही है। हालांकि सिद्धू को पार्टी में रखने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये चुनाव बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।